नमस्कार साथियों, आज ये वीडियो बनाकर आपको 5x55 टेक्निक के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया 5x55 टेक्निक, जिसमें मैंने ये बताया। जो लोग नए जुड़े हैं तो मैं थोड़ा सा 5x55 टेक्निक भी बता दूं, फिर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक्चुअली 5x55 लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसमें कि हम अपनी विश को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरह की विश को मैनिफेस्ट करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज कर लेते हैं। इस टेक्निक में आपको क्या करना है कि 5 डेज तक आपको अपनी विश को 55 टाइम्स डेली लिखना है। जो भी आपकी विश है, 1-2 लाइन की आपने विश ले ली अपनी, उसको डेली आपको 55 टाइम्स लिखना है और 5 डेज तक आप इसको करेंगे। 5 डेज तक या तो आपकी विश पूरी हो जाएगी, 5 डेज तक करने के बाद आप इंतजार करें, आपकी विश पूरी हो जाएगी, और अगर 1-2 महीने में विश पूरी नहीं होती है तो फिर आप इस टेक्निक को दोबारा दोहरा सकते हैं स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज करके। तो ये मैंने आपको 5x55 टेक्निक पे एक वीडियो बनाकर समझाया था, आप लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया। लेकिन उस वीडियो को लेकर सबसे ज्यादा क्वेरीज जो मुझे आ रही थी कि उस कागज का क्या करें जिस कागज पे हम ये लिख रहे हैं। आज मैंने केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस 5x55 टेक्निक का दिया है, मैं इसकी लिंक दे दूंगी ताकि जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग जान जाएं कि 5x55 टेक्निक है क्या। तो आप इस लिंक को देखकर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे। इन शॉर्ट मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है। अब ये सवाल कि उस कागज का क्या करें, मैं रोज कमेंट सेक्शन में पढ़ रही हूँ कि उस कागज का हम क्या करें, व्हाट्सएप पे भी आप लोग पूछ रहे हैं। देखिए 5x55 टेक्निक जो है उसमें कागज का तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। उस कागज को चाहे आप फाड़ के फेंक दें, जला दें, या पड़ा रहने दें, या बच्चों को खेलने के लिए कॉपी दे दें, उस कागज का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप इस टेक्निक को नहीं समझ पाए। एक्चुअली ये टेक्निक है आपके ब्रेन को प्रोग्राम करने के लिए। 5x55 को हम आकर्षण के तहत यूज करते हैं, आकर्षण के नियम के तहत यूज करते हैं। यानी कि 5 डेज तक हमने 55 टाइम्स अपनी एक विश को लिखा, तो यानी उतने बार लिखकर हम मैसेज अपने ब्रेन को दे रहे हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर रहे हैं कि वो विश, वो सीड पड़ जाए उस जगह पे। जो चीज हमारे 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारी लाइफ को चलाता है, जो अगर हम सक्सेस हो गए उसमें सीड डालने में, तो वो विश मैनिफेस्ट हो जाती है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो काम करना शुरू कर देता है जो भी आपकी विश होती है उस तरीके से। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था। 5 नंबर न्यूमरोलॉजिकली भी देखो, आप एंजल नंबर के तहत भी देखो, तो 5 नंबर है लव, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, चेंज, इन सब चीजों के लिए। तो चेंज के लिए, लव के लिए, फ्रीडम के लिए, मतलब एक बहुत ही विस्तृत नंबर है जो आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज को चेंज करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और जब ये नंबर 3 टाइम्स है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। तो इसका एक सिग्निफिकेंट ये अलग है 5x55 का कि इसमें 5 नंबर को भी यूज किया गया है, जो अपने आप में एक परिवर्तन का नंबर है। तो जो परिवर्तन आप चाह रहे हैं, जिस चीज के लिए आपने ये टेक्निक यूज की है, वो आपको मिले, उसके लिए भी हम उस नजरिए से भी इसको सोच सकते हैं कि इसमें 5 नंबर का भी इस्तेमाल हो रहा है। एक्चुअल में ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक। तो ये हुआ तरीका आप कैसे यूज कर रहे हैं। अब उस कागज पे जो आप लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट कागज नहीं है, इम्पोर्टेंट है वो जो लिखकर आप अपने ब्रेन को मैसेज देके ट्रेंड कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप अपने माइंड की। इसमें इस टेक्निक का जो पीछे छुपा हुआ थीम है वो है प्रोग्रामिंग। यानी आप अपने ब्रेन में, अपने माइंड में वो मैसेज, वो सीड डाल रहे हो कि आपको ये चाहिए ही चाहिए। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई सीड डालने में, कोई अपनी पॉजिटिव इंटेंशन डालने में, या जो आप चाहते हैं वो सफल हो जाते हैं, तो वो विश पूरी हो जाती है।
बहुत सारे लोग को इससे रिजल्ट मिलता है, बहुतों को नहीं मिलता। उसका रीजन ही ये है कि आपने कितना एकाग्रता से उसको लिखा बैठकर। इसको लिखना मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे बस लिख लिया जैसे बच्चे 100 टाइम्स जो स्कूल का होमवर्क करते हैं, ये उस तरह की टेक्निक नहीं है। इसमें लिखना है मतलब आपको उस चीज को अपने अंदर उतारनी है, पूरी कोशिश करनी है कि वो चीज आपके दिमाग में अंदर चली जाए। अगर आप लिख रहे हैं कि मुझे ये नौकरी मिल चुकी है, तो उस नौकरी को इंजॉय करना है, फील करना है उस सेंटेंस को, ताकि जिस चीज पे भी, देखिए आकर्षण का नियम क्या कहता है, जिस चीज पे भी हमने अपना ध्यान लगा दिया, पूरा फोकस लगा दिया, तो वो चीज हमारी लाइफ में आकर्षित होने लगती है। अगर हम बुरी चीज पे लगाएंगे, हम सोचने पे लगा देते हैं कि मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, सब कुछ बेकार हो रहा है, तो बेकार ही होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम उसको सोचने में लगा रहे हैं। तो इसी तरह नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो सोचोगे वो मिलता है। तो आपको बैठकर उतना देर पॉजिटिव सोचना है, उसको लिखते लिखते उसको फील करना है, महसूस करना है। तो जो मेन काम है वो है अपने ब्रेन में वो सीड डालने की कोशिश करना कि आप मैनिफेस्ट कर पाए उस चीज को। किस पे लिखा आपने उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता जरा भी, चाहे आप अच्छी कॉपी में लिखे या किसी कागज में लिखकर रोज उसे फेंकते जाए, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो आप लोग अपना फोकस और इंटेंशन कहाँ पूरा लगा रहे हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया कि उस कागज का हम क्या करें, हमने लिख तो लिया, अब क्या करें? फेंक दीजिए, वो किसी काम का नहीं है आपके लिए, ठीक है? तो इस टेक्निक को यूज करें, तो इसका पीछे जो कारण है, क्यों आप यूज कर रहे हैं इसको, वो समझ लीजिए। आप उसको यूज करके, 5x55 को यूज करके आप मैसेज दे रहे हैं अपने ब्रेन को, बार 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 सेम मैसेज, वही मैसेज दे रहे हैं कि मुझे ये नौकरी मिल चुकी है, मुझे ये नौकरी मिल चुकी है। तो आपको उसी में खो जाना है, विजुलाइज करना है लिखते लिखते कि मिल चुकी है, मैं ज्वाइन कर रहा हूं, मैं बहुत मजे से नौकरी कर रहा हूं। तो ये ऐसी ये टेक्निक है। तो इसमें जरा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पेपर का क्या करना है, किस कलर के पेन से लिखें, क्या फर्क पड़ना है, कुछ फर्क नहीं पड़ना। इंपॉर्टेंट है कि आप अपने उस ब्रेन को वो मैसेज देने में सफल हो पाए। तो साथियों ये है 5x55 टेक्निक को लेकर मैंने थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दिया है। ये टेक्निक क्या होती है वो आप डिटेल में अगर जानना चाहें तो आप, मैं जो लिंक दूंगी आप उस लिंक को देख लें, आपको समझ में आएगा ये टेक्निक क्या है, ताकि अब आप सक्सेसफुली उस टेक्निक को यूज कर पाए और उससे बेहतर रिजल्ट पा पाए। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन से आप इसको करेंगे उतना ही आपको अच्छा इससे रिजल्ट मिलेगा। कुछ और जानना चाहे तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं कमेंट हमेशा रिव्यू करती हूँ, रिप्लाई मैं दू या ना दू लेकिन मैं कमेंट पढ़ती जरूर हूँ, ताकि पता मुझे चल जाए कि आप लोगों की और क्या जरूरत है और क्या वीडियोज आप लोग चाहते हैं। थैंक यू।